खबर है कि बड़ी संख्या में बेलारूस पहुंचे पुतिन के सैनिकों ने वहां जंग की जोरदार तैयारी शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सैनिकों के लिए वहां 3 ठिकाने बनाए गए हैं और इन्हीं ठिकानों पर पुतिन के जवान हमले की ट्रेनिंग ले रहे हैं और माना जा रहा है कि 24 फरवरी की तरह ही वो एक बार फिर पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला बोलने वाले हैं और इस हमले के लिए बेलारूस से बेहतर कोई रास्ता हो ही नहीं सकता क्योंकि यूक्रेन बेलारूस के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है जिसका फायदा उठाकर पिछली बार भी पुतिन की फौज ने यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ धावा बोला था। पिछली बार भी रूस ने सैन्य अभ्यास के बहाने अपनी बड़ी सेना बेलारूस पहुंचाई थी और इस बार भी दावा किया जा रहा है कि उसके करीब 10,000 सैनिक बेलारूस पहुंच चुके हैं जबकि हमले से पहले 10,000 और सैनिकों को रूस बेलारूस भेजने वाला है, यानी कुल मिलाकर रूस के 20,000 सैनिक यूक्रेन के ठीक बगल में आकर जमा हो जाएंगे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन का एक इशारा मिलते ही वो यूक्रेन पर हमला कर देंगे और ये हमला यूक्रेन पर जमीन से होगा जबकि पिछले कई महीनों से रूस बेलारूस का इस्तेमाल मिसाइलों से हमले के लिए कर रहा है और दावा है कि वो वहीं से बैठे बैठे कीव समेत दूसरे शहरों में धमाके कर रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन से जारी जंग जल्द खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो आसमान से मिसाइलें और बम बरसाने के साथ ही जमीन से भी हमले की तैयारी कर रहा है। दावा किया गया कि बेलारूस पहुंचे रूस के सैनिकों के लिए 3 ठिकाने बनाए गए हैं जहां उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए बेलारूस के दक्षिण में 3 जगहों पर कुल 300 टेंट लगाए गए हैं और जिस जगह ये सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं वो यूक्रेन के उत्तर की सीमा से महज 160 किलोमीटर दूर है। मतलब ये कि रूस अपने सैनिकों को उस इलाके में ही जुटा रहा है जहां से यूक्रेन पर हमला करने में आसानी हो और हमले का आदेश मिलते ही एक साथ हजारों सैनिक टैंक और दूसरे घातक हथियार लेकर यूक्रेन पर टूट पड़े। इस बीच दावा किया गया कि रूस ने बड़े और आधुनिक हथियार भी बेलारूस पहुंचाने शुरू कर दिए हैं और इसके लिए उसके मालवाहक विमान दिन रात काम में लगे हुए हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नवंबर के ही महीने में रूस के विमानों ने हथियार और गोला बारूद लेकर कई बार बेलारूस के चक्कर लगाए। दावा किया गया कि रूस ने इन्हीं विमानों के जरिए घातक मिसाइलें बेलारूस पहुंचाई। इस बार की तैयारी को देखकर आशंका जताई जा रही है कि इस बार यूक्रेन पर होने वाला हमला पहले के हमले से कई गुना भीषण होगा। कहा जा रहा है कि इस बार भी हमले के दौरान एक साथ आसमान और जमीन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जिस वक्त आसमान से यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें बरस रही होंगी ठीक उसी वक्त रूस के हजारों सैनिक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर बेलारूस की सीमा से हमला बोल देंगे और रूस के सैनिक बेलारूस में इसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान आसमान से मिसाइलें बरसाते दिखे। दावा किया गया कि इस हमले में ज़ेलेंस्की की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि रूस की एयरफोर्स ने अलग अलग हिस्सों में जोरदार हमले किए। सामने आए वीडियो में रूस का एक जवान हमले की तैयारी करता दिखाई दिया। उसने Ka-52 हेलीकॉप्टर को पहले मिसाइलों से लोड किया और फिर दुश्मन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। रूस का दावा है कि उसके हेलीकॉप्टर ने कुछ ही देर में यूक्रेन की सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसका एक MiG-31 लड़ाकू विमान भी उड़ान भरता नजर आया। पुतिन की एयरफोर्स के मुताबिक इस फाइटर जेट ने यूक्रेन के एक सुखोई Su-24 लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया। हालांकि रूस की फौज ने ये हमले यूक्रेन के किन इलाकों में किए इसकी जानकारी नहीं दी गई।